असलकम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम फाइलम प्लेटी हेलमें डिस्कस करेंगे और प्लेटी हेलमें इज द थर्ड फाइलम ऑफ किंगडम एनीमीलिया इससे पहले हमने uh, दो बेसिक बड़े फाइलम डिस्कस किए थे और एक फाइलम हमने तीनों खोरा को भी डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटी हेलमन बहुत मेजर एस्पेक्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो एवोल्यूशन होती है तो एकदम से चेंज नहीं आता तो पहले वाले जो फाइलम थे उनमें वो करैक्टर्स नहीं हैं जो कि प्लेटिनम थी इसमें कुछ करैक्टर्स अपेयर हो चुके होंगे और आगे जितने भी हम फाइलम्स पढ़ेंगे उनमें और एडवांस फाइल जो फीचर्स हैं वो डिवेल्प हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको एक ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर नजर आ रही है इट इज अ प्लेनेरिया और प्लेनेरिया जो है ये भी प्लेटी हेलमेंथी से ही बिलोंग करता है पहले हम इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जो प्लेनेरिया uh, के बारे में एवोल्यूशन क्या कहती है डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिफरेंट व्यूज पेश किए और उनके मुताबिक ये है कि जो प्लेटीस है इसकी एवोल्यूशन रेडियल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से हुई है इसका मतलब ये है कि हमने पहले डिस्कस किया आ, फाइलम पोरीफेरा को और फाइलम नाइडेरिया को और पोरीफेरा में तो कोई एस सच हमारे पास बॉडी वॉल नहीं थी और ना ही कोई स्मिट्री थी ये दोनों जो रेडियल सिमिट्री और डिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल है ये नाइडेरिया के अंदर प्रेजेंट थी तो जाहिर है अगर ये पहले वाले में था और उसके बाद अगेन uh, हमारे पास एडवांस फीचर आ गया तो इसका मतलब है कि जो रेडियल और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंसेस्टर्स हैं जो प्लेटीहेलमेंट हम पढ़ेंगे उसके ठीक है पहला व्यू ये था जो दूसरा व्यू है वो ये था कि एवोल्यूशन जो है वो बायोलेट्रल इंसेस्टर से हुई है Uh, इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले रेडियल सिमेट्री पढ़ी उसके बाद बाइलेट्रल सिमिट्री प्लेटिन से स्टार्ट हुई है ठीक है तो जो जोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रिपलो प्लास्टिक ए सिलोमेट हैं वो बाइलेट्रल इंसेस्टर से बने हैं क्योंकि जो प्रीमिटिव ए सिलोमेट और ट्रिपलो प्लास्टिक हैं वो रेडिएट फाइला से पहले बन गए हैं देयर फोर रेडियल और डिप्लो प्लास्टिक प्लान जो है ये सेकेंडरी ड्राइव यहाँ से हुआ है ठीक है तो ये डिफरेंट इसके बारे में व्यूज पेश किए गए कि इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से आ, जो एवोल्यूशन है प्लेट हेलमन थी इसकी वो इस तरीके से होती है आ, जो रेडियल सिमिट्री थी उसमें हमने ये देखा था कि एक सिंगल प्लेन ही हम बॉडी में से पास कर सकते हैं जो कि बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देता है जबकि बाइोलेट्रल जो सिमिट्री है इसमें कोई भी प्लेन हम बॉडी में से पास करेंगे तो आ, जो सिंगल सॉरी रेडियल सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री में कोई भी प्लेन बॉडी में से पास करेंगे तो वो दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा जबकि बायलेटरल में सिर्फ सिंगल प्लेन ही पास कर सकते हैं जो कि बॉडी को मिरर इमेजेस में चेंज कर देता है तो जो ब्लडी है इट इज अ फर्स्ट फाइलम जिसमें बायलेटरल सिमेट्री है और उससे पहले जो फाइलम थे नाइडेरिया उसमें रेडियल सिमेट्री थी और वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे अब हम आ, कुछ इसके जनरल फीचर्स के बाद आ, करेंगे और उसके बाद इसके स्पेशल फीचर्स की और इसमें क्लासेस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेटी हेलमें डियर स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है प्लेटी हेलम ऐसे ऑर्गेनिजम्स है इसमें जो कि फ्लैट वॉर्म्स है यानी कि उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लैट है देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल फ्लैट है ये डोर्सल साइड से देखो या वेंट्रल साइड से देखो तो ये बिल्कुल फ्लैट है चिपका हुआ है ये ठीक है तो इसलिए हम इस फाइलम को प्लेटी हेलमेंथीस कहते हैं कि इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं ये ट्रिपलो है ठीक है क्योंकि पहला जो नाइड एरिया था वो डिप्लो था और प्लेटी हेलमेंथीस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें ट्रिप्लो Uh, इसमें कह लो आपके uh, जो सिट्री है वो uh, या बॉडी वॉल है वो ट्रिपो प्लास्टिक है इसका मतलब है इसमें एक्टोडर्म भी है इसमें एंडोडर्म भी है और इसमें मिजोडाम भी है जबकि जो हमने नाइडेरिया डिस्कस किया था उसमें हमने मिजोग्लिया पढ़ा था या मेजन कायमा पढ़ा था उसमें मिजोडाम प्रेजेंट नहीं थी इसके बाद ये एसिलोमेट्स हैं और इनकी है जो कि हमने पहले डिस्कस की कि में से पास करेंगे तो ये दो मिरर इमेजेस में इसको डिवाइड कर देगा उसके बाद है कुछ इसके में फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं ठीक है उसके बाद है कि इनकी बॉडी जो है ये सॉफ्ट होती है हो सकता है कि इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया हों और कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सीलिया नहीं होते ठीक है और ये डोरसो वेंट्रली फ्लैट है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये डॉर्सल साइड से देखो ऊपर वाली साइड से या नीचे वाली साइड से देखो तो दोनों साइड से ये बिल्कुल फ्लैट होती है इसके अलावा इनके पास कोई एन एस नहीं होता कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बट दे हैव माउथ इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है ठीक है अब जो इनके रेस्पायरेशन का सिस्टम है इनके पास कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इनमें डिफ्यूजन रेस्पायरेशन होती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जिसमें टिश्यू लेवल तक नाइडेरिया आ रहा था उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल तक जो है वो प्लेटेहेलम थी आ रहा है इसका मतलब है ऑर्गन यहाँ पे और ऑर्गन सिस्टम भी यहाँ पे डिवेलप हो गया है कीप इन माइंड कि जब भी एवोल्यूशन होती है एकदम से तमाम ऑर्गन सिस्टम की एवोल्यूशन नहीं होगी सिर्फ एक ही ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे बना है और वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक है ऑर्गन सिस्टम है बाकी ना तो इसके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ही इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ही इसके पास कोई नर्वस सिस्टम है ना ही इसके पास कोई रिप्रोडक्टिव स्पेशल सिस्टम है सिर्फ एक ही वेल डेवलप नर्वस सिस्टम सॉरी एक्सकरेटरी सिस्टम है जिसको हम प्रोटोन कहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक यहाँ पे पहुंच गया इसके पास कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है और इसके पास जो है ये स्पेस होती है इसलिए हम ए सिलोमेट कह रहे हैं क्योंकि ए सिलोमेट आ, की जगह पे जहाँ पे सिलोम है वहाँ परमा पे पे, सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलोम को पूरा तरीके से डिफ्रेंश नहीं होने देते ये हर मेफ्रोडाइट होते हैं हर मेफ्रोडाइट मतलब ये कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है समटाइम इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल होती है और इनका लाइफ साइकिल जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें डिफरेंट लार्वल स्टेजेस आती हैं जो कि हम आगे देखेंगे भी कि इनमें लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इनके पास कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की यानी कि इनके बॉडी का कोई पार्ट अगर मिस हो जाता है तो ये दोबारा से अपने बॉडी के पार्ट को रीगेन भी कर सकती हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है मैं आपको अगर रिकॉल करवा दूं कि हमने पोरीफेरा में कहा था नर्व सेल्स प्रेजेंट है उसके बाद हमने नाइडेरिया में कहा था नर्व नेट्स प्रेजेंट है और गेंगलियोन जो है वो प्लेटीहलम में इसमें प्रेजेंट है गेंगलियोन का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज यानी कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है एक सेल बॉडी होती है दूसरा उस डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स होते हैं तो अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होगा तो उसको हम गेंगलियॉन कहेंगे तो प्लेटिकल मंत्री इसके पास थोड़ा सा एडवांस सिस्टम आ गया नर्विस सिस्टम और वो है गेंगलियॉन की फॉर्म में और ये डबल होता है गंगलियोनेटेड होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है अब जैसे हमने इनके स्पेशल सिस्टम की बात की थी और वो था एक्सक्रिएटरी सिस्टम और एक्सक्रुटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोन एफ्रीडिया फॉर्म में है और इसमें एक्चुअली फ्लेम सेल्स होते हैं जैसे कि दे, देखो ये इसकी बॉडी है अब ये है यहाँ पे इसके जो बॉडी कैविटी है इसको क्योंकि इसके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है तो इसलिए हम इसको इंटरस्टिशियल कैविटी कहेंगे और यहाँ पे जो फ्लूड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूड कहेंगे जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो यहाँ पे होंगे और ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर फ्लेम सेल्स ये इसके ऊपर सीढ़िया लगे होते हैं जब ये बीट करते हैं तो यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो इसके पास आ जाता है और इसके बाद ये नफरीडियो पोर्ट के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है अगर हम इसको जूम करके देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आ रही होती है और ये ट्यूब है नेफ्रीडियो पोर्ट के जरिए बॉडी से बेस्ट को बाहर निकाल देता है तो इसलिए हम इसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं और इसके बाद जो हायर ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे उसमें मेटानेफ्रीडिया होगा इनकी इससे थोड़ा सा एडवांस होगा ठीक है और प्लेटी हेलमेंसिस इज द फर्स्ट फाइलम डेट हैव एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑलवेज कीप इन माइंड की इट इज द फर्स्ट फाइलम डेट हैव एक्सक्रिटरी सिस्टम एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है ठीक है इससे पहले हमने जो तीन सिस्टम फ़ाइलम पढ़े हैं उनके पास कोई ऑर्गन कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था ठीक है अब अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजर इसकी तीन क्लासेस हैं पहली है टर्बुलेरिया इसके अंदर तीन हजार स्पीशीज आती हैं दूसरी है ट्रीमाटोडा इसके अंदर दस हजार आती हैं और तीसरी है कैस्टोडा इसके अंदर पैंतीस सौ स्पीश आती हैं ट्रीमाटोडा इज द लार्जेस्ट क्लास देखो स्पीशीज से ही आपको पता चल रहा है इट इज द लार्जेस्ट क्लास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट क्लास आफ्टर प्लेटिन तो ट्रिमाटोडा इज द लार्जेस्ट क्लास और दूसरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो ये है कि कैस्टोडा के, के पास कोई गट प्रेजेंट नहीं होती डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ठीक है दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी कि कुछ इसके मेंबर जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं कुछ पैरासिटिक होते हैं जो टर्बिलेरिया है जिसमें प्लेनेरिया आता है जिसका साइंटिफिक नेम है, दु, है? जो प्लेन एरिया है इट इज अ फ्री लिविंग जबकि ट्रीमा और कैस्टोडा है ये दोनों क्या है ये पैरासिटिक है ठीक है अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि जो टर्बिलेरिया है इसको हम टर्बिलेरिया क्यों कह रहे हैं और इसके अंदर कौन सा मेंबर आ रहा है टर्बलेरिया जो है ये फ्री लिविंग है इसमें प्लेन एरिया आता है ठीक है अब ये बॉटम ज्वेलर है यानी कि ये यहाँ तो फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर के बॉटम में प्रेजेंट होगा और इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं जब ये सीलिया बीट करते हैं तो वाटर के अंदर ये पानी को गदला कर देते हैं टर्बुलेंट कर देते हैं इस हम इसको कहते हैं कि ये टर्बुलेरियन क्लास है ठीक है अब इसकी हम बॉडी वॉल की बात करें तो सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मस होती है ठीक है एपिडर्मस जो है ये एक्चुअली एक्टोडर्मस है देखो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है इट इज एपिडर्मस एपिडर्मस और एक्टोडर्म एक्टोडर्म जो जो है ये epi, जो है ये ये को बनाती है दिस इज एक्टोडर्म यानी कि एपिडर्मस उसके बाद है बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है आपको नजर आ रही बेसमेंट मेम्ब्रेन ये अंदर वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बाहर वाली क्या है एपिडर्मस है उसके बाद है मसल्स की लेयर्स होती है मस्कुलर लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिटूडनल मसल्स हैं ठीक है, है? Uh, जो सर्कुलर मसल्स हैं वो आउटर साइड पे प्रेजेंट है और जो लॉन्गिडनल मसल्स हैं ये इनर साइड पे प्रेजेंट है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है हमारे पास सर्कुलर मसल्स ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये हमारे पास है लॉन्गिडनल मसल्स सर्कुलर बाहर की तरफ है और लॉन्गिच्यूडनल अंदर की तरफ है इसके बाद इसमें पेरेंट कैमा सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलर और लॉन्गनर मसल्स दोनों के दरमियान प्रेजेंट होते हैं ये है पेरेंटाइमा सेल्स यहाँ पे ये सारे पेरेंट कैमा सेल्स हैं इसके बाद गेस्ट्रोडर्मस है गेस्ट्रोडर्मस जो है ये एंड्रोडर्मस से ड्राइव हुई है ठीक है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द गेस्ट्रोडर्मस ये गेस्ट्रोडर्मस है इसके बाद इसके अंदर ग्लैंड होते हैं डिफरेंट ग्लैंड हैं एक है रेबडाइटिस ग्लैंड जो कि रॉड शेप है और इसका काम होता है प्रीडेशन से प्रोटेक्ट करना और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करना ओके okay. ये आपको नजर आ रहा है और इसका काम क्या है इनका काम क्या होता है इनका काम है कि इन्होंने आ, आ, स्टिकी अपेरेंस आ, स्टिकी जो नेचर है वो प्रोवाइड करनी होती है और जो रिलीजर ग्लैंड है इन्होंने क्या करना होता है इन्होंने डिजोल्व करनी होती है सरफेस को जहाँ पे इन्होंने अटैच होना तो जो टर्बल एरिया है अगर हम इसका ट्रांसेक्शन काट के देखें तो इस तरह से इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर नजर आ रही होती है इसके बाद इनमें जो लोकोमोशन है वो किस तरीके से होती है ये तमाम बाइलेटुरल है ठीक है जितने भी बायोट्रल एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफ स्पैन उनका होता हो, है एक्टिव लाइफ होता है उनका ठीक है अब ये प्रीमेरिली बॉटम डर है या तो ये सब स्ट्रेट के ऊपर ग्लाइड करते हैं यानी कि फिसल के चलते हैं या फिर इनके पास सीलिया होता है और मस्कुलर अंडुलेशन होती है सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं अंडुलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के जरिए मूव कर रहा है तो ये भी वैसे ही मूव कर रहे होते हैं ठीक है, है? इनमें जो न्यूट्रिशन और डाइजेशन का सिस्टम है डाइजेस्टिव कैविटी मैडिन टर्बिलेरियन के अंदर एबसेंट होती है ठीक है और कुछ के पास जो है वो ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है कुछ के पास सिंपल होती है कुछ के पास अनब्रांच होती है कुछ के कुछ के पास हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक कोला जो है ये यह बिल्कुल यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी है ही नहीं सिंपल है उसके बाद ये ब्रांचिंग होना शुरू हुई है ब्रांच है हाईली ब्रांच है ठीक है तो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर जो कैविटी है वो डिपेंड करता है कि ये ब्रांच है हाईली ब्रांच है एबसेंट है ियस है उनमें cavity, होती है। ये ऊपर फीड करते हैं, कुछ होते हैं और कुछ जो हैं ये होते हैं ठीक है ऊपर इनके सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है ये डीज आर देंसटिव सेल्स अब ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये इनको हेल्प करते हैं फूड के डिटेक्शन के लिए ठीक है अब जो इनकी फेरेंस है वही इनजेस्टिव फंक्शन इंजेस्टिव ऑर्गन का काम कर रही होती है यानी कि फूड को अंदर लेके जाती है ठीक है अब इसकी जो फूड है उसके डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और कुछ जो फूड है वो इंट्रा सेलुलरली ब्रेक होती है और वहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है एक्सक्रीशन और रेस्पारेशन रेस्पाशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इसमें रेस्पायरेशन होती है रेस्परेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं ठीक है थीके? अब इसमें एक्सक्रीशन प्रोटोनिफीडिया के फॉर्म में होता है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि इंट्रेस्टिशियर फ्लूड में से जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं पोर्ट के जरिए बाहर निकाल देते हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है ये डबल है गैंगलूनेटेड है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ठीक है एंड इट इज़ द मोस्ट एडवांस देन प्रीवियस टू फाइलम्स डेट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स ये थोड़ा एडवांस है इसके बाद अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे डू सेल्फ फर्टिलाईज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एज वेल ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फिशन के जरिए करते हैं और ये ट्रांसवर्स फिशन के जरिए करते हैं जैसे कि ये पिक्चर ए में आपको नजर आ रहा है Uh, ये है हमारे पास प्लेन एरिया अब प्लेन एरिया जो है ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अपर पार्ट अपना बना लेते हैं और जो अपर पार्ट है ये अपना नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं ठीक है इसका मतलब है ये ए सेक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है इसके अलावा ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं करते हैं जो टर्बिलेरियंस हैं दे आर मोनोशियस ठीक है और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये पेरन कायमा के निजोडर्मल टिश्यूज में बनते हैं ठीक है अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके पास पेयर्ड टेस्टिस होती हैं जो कि दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं ओके और स्पर्म जो है स्पर्म डक्ट इसके पास होती है जिसको हम वेस्ट डेफरेंस कहते हैं ये सेमिनल वेजिकल में ओपन होती है सेमिनल वेजिकल एक्चुअली एक पार्ट है जहाँ पे स्पर्म ने स्टोर होना होता है इसके पास एक प्रोट्रोसिबल पीनस होता है जो कि जेनिटल चैम्बर में फीमेल के अंदर स्पर्म को डिपोजिट करवाने में हेल्प करा होता है जो फीमेल है उसके पास एक से ज्यादा पेयर ओवरीज के होते हैं ठीक है और ओवी जो है वो ओवरीज से स्टार्ट होती है और जेनल जेनिटल चैम्बर में क्या हो जाती है ओपन होती है जो जेनिटल चैम्बर है वहां पे इस फॉर्म को डिपोजिट करवाया जाता है और डिपोजिट करवाने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन होने के बाद आ, जो ऑर्गेनिजम्स हैं एग ले करते हैं और हो सकता है कि इसके बाहर एक वॉल हो जिसको हम ककून कहते हैं इनमें टाइम का कोन जो है ये बाद में रिमूव होती है और ये लार्वा बन जाता है और यहाँ पे जो लार्वा बनेगा उसको हम कहेंगे ये मोलर लार्वा बनेगा ठीक है तो इस तरीके से जो क्लास अर्बिल एरिया है उसमें तमाम जो करेक्टर है वो हमने डिस्कस की अब जो नेक्स्ट क्लास है इसकी वो हम डिस्कस करते हैं एंड इट इज अ ट्रीमा आठ हजार इसकी स्पीशीज है ठीक है ये पैरासिटिक है और ऑलमोस्ट जो अडल्ट फ्लूक हैं ये तमाम ही पैरासिटिक हैं वर्टिब्रेट के ठीक है जो दो स्टेजेस हो, होती हैं इसकी एक मिच्योर स्टेज है और दूसरी इनमिच्योर होती है जब ये मिच्योर हो जाता है तो ये अपनी ज़्यादातर लाइफ वर्टिब्रेट्स में स्पेंड करती है जब ये लार्वा स्टेज होती है तब अपनी ये लाइफ इनवर्टिब्रेड पर स्पेंड करने की कोशिश करती है इसका जो साइज़ है वो है वन मिलीमीटर mm से सिक्स सेंटीमीटर तक ठीक है और इसको हम फ्लूक्स भी कहते हैं ऑलमोस्ट तमाम पैरासिटिक होती हैं ठीक है अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके पास आ, कोई वेल डिवेल्प नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता इसकी रीजन ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक हैं उन्होंने होस्ट से ही अपनी फूड लेनी होती है इसलिए उनको स्पेशल और हाईली कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड इनको मिलती है तो इसलिए इनका जो नर्वस सिस्टम है जो सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल सिंपल होता है और ये होस्ट के सेल्स पे और होस्ट के सेल के जो फ्रेगमेंट्स हैं उसके ऊपर फीड कर रही होती है इसकी जो बॉडी बॉल है इसमें अगर हम देखें तो बॉडी बॉल एवोल्यूशनरी एडोप्टेशन शो करती है इसके बाहर आउटर लेयर एपिडर्मस है जिसको हम टेग्यूमेंट कहते हैं ये टेग्यूमेंट सेंसेशियम होती है यानी कि फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल्स होंगे तो वो सेंसेशियम होगा अब ये जो टेग्यूमेंट है ये ग्लाइकोकैलेक्स की बनी होती है और ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल है यानी कि दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके एक कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं कंपाउंड बनाते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है और इसका काम क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट के ट्रांसपोर्ट करना और गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प कर रहा होता है इसमें आ, क्योंकि ये सारे पैरासिटिक हैं तो हम देखेंगे कि इसमें जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस ऑर्गेनिज्म का ये पैरासिटिक है पहली क्लास है एस्पीडोस्ट्रिया डियर स्टूडेंट जो एस्पीडो है इसको हम एस्पीडो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास एक होल्ड फास्ट ऑर्गन होता है जो इसके वेंट्रल साइड पे होता है जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम ये इसके स्ट्रक्चर देखें दिस इज अ वेंट्रल साइड एंड दिस इज अ डोर्सल साइड और यहाँ पे एक ये जो आपको बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है दिस आर ऑफिस थेप्टर जो है ये होल्ड फास्ट ऑर्गन है जो कि ऑर्गेनिजम्स को अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं ठीक है इसीलिए हम इस क्लास ओके okay, तो हम आ, ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस्पिडोगेस्ट्रिया जो है इसके पास फिस्थेटर है आ, जो कि होल्ड फास्ट ऑर्गन होते है. होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होती है जो कि इसको अटैचमेंट में हेल्प करती है ज़्यादातर ये अपनी लाइफ एक ही होस्ट पे स्पेंड करता है और एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं पहला जो इसका होस्ट है वो ज्यादातर मोलस्क होता है और जो इसका फाइनल होस्ट है वो यहाँ तो फिश होती है या फिर टर्टल होता है उसके बाद जो अगली क्लास है इट इज अ डाइजीनिया डाइजीनिया जो है मेजोरिटी फ्लू की वो इसी क्लास से बिलोंग करती हैं और ये इसके पास दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसलिए हम इसको डाइजीनिया कह रहे हैं डाय मतलब दो एक जो फॉर्म है वो अडल्ट होती है और जो दूसरी फॉर्म है वो लार्वा स्टेज होती है ठीक है अब ये जो डाइजीनियन है ये ज्यादातर एंडोपेरासाइट है और एंडोपेरासाइट ये ज्यादातर ब्लड के ऊपर फीड करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर फीड करते हैं या फिर डग आप डाइजेस्टिव ऑर्गन के ऊपर फीड कर रहे होते हैं अब एक इसका इंटीरियर एंड होता है अब जो इंटीरियर एंड है इसको हम कहेंगे ये इसके पास माउथ है तो ओरल सक्कर कहेंगे और जो इसका पोस्टीरियर एंड है उसको हम एसिटलम कहेंगे और ये इसके मिडल वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है सबसे पहले होता है क्या है कि ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है यानी कि एक ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट होगा और वहां से uh, उसकी ब्लड uh, स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा वहां बहुत ज्यादा एग को ले करेगा और इसके ऊपर एक लिड होता है जिसको हम अपर क्यूलम कहते हैं अब उस ऑर्गेनिज्म के फीकल मटेरियल के जरिए जो एग्स हैं वो वाटर में जाएंगे वाटर में जब जाएंगे तो अपर क्यूलम ओपन हो जाएगा और एक लार्वा में डवेल्प हो जाएगा और इस लार्वा को हम कहेंगे ये है हमारे पास मैरासीडियम लार्वा अब ये जो मैरासीडियम लार्वा बना है यहाँ पे ये जाएगा स्नेल के पास ठीक है और स्नेल में ये मेरासीडियम अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और इसको हम कहेंगे ये स्पोरोसिस्ट है स्पोरोसिस जो है ये इसके पास एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो कि डॉटर स्पोरोसिस्ट या रेडिया बनाते हैं अब जो रेडिया है ये अगेन क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो स्पोरोसाइटो uh, रेडिया में डिवेल्प हो गए अब ये नेक्स्ट फ्लावर स्टेज में जाएगा और वो है करकेरिया करकेरिया जो है ये अभी तक अः uh, स्मेल के अंदर ही प्रेजेंट है उसके बाद जो ये स्नेल है वहां से ये निकलेगा यहाँ से निकल गया और उसके बाद जो है ये किसी और होस्ट के पास जाएगा वो इनवर्टिब्रेड भी हो सकता है प्लांट भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पे कोई फाइनल होस्ट हो सकता है ठीक है वहां पे करकेरिया जो है ये मेटा करकेरिया स्टेज में डिवेल्प होगा और वहां दोबारा से जो ह्यूमन की बॉडी में जाएगा और इस तरीके से अपना लाइफ स्पैन जो है ये पूरा कर रहा होता है उसके बाद जो अगली क्लास है इट इज अ चाइनीज लिवर फ्लूक और इट इज अ कॉमन पैरासाइट ऑफ ह्यूम इन एशिया तकरीबन इसने तीस मिलियन लोगों को अफेक्ट किया है और ये लीवर की बाइल डक पे रहता है ठीक है ये एक्चुअली ब्लड के ऊपर या एपिथेलियल टिश्यूज पे फीड करता है और इसका जो अडल्ट है वो एग को रिलीज करता है जहाँ वो लीवर के बाइल बायोडक्ट में रहता है वहां पे ही बहुत सारे एग जो है वो रिलीज कर देता है अब ये जो एग है वो बाइल बायोडक्ट से इंटेस्टाइन में जाते हैं और इंटेस्टाइन से फीकल मटेरियल के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं स्नेल जो है वो इनके एग को रिलीज कर देता है देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि डेफिनेट होस्ट वो होता है जहाँ पे इसकी सेक्चुअली प्रोडक्शन होती है अब ये जो सेक्चुअली प्रोडक्शन है हो सकता है ये ह्यूमंस uh, के अंदर भी हो सकती है ये कैट के अंदर भी हो सकती है डॉग के अंदर भी क्योंकि ये तमाम जो है ये बॉर्टिव रेड्स है तो यहाँ पे ह्यूमंस को दिखाया हुआ है ह्यूमंस की बाइल बायोडक में रहेगा उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा इंटेस्टाइन से ये रिमूव हो जाएगा फिकल मटेरियल के जरिए और फिकल मटेरियल जो है वो जाहिर है वाटर में अगर जाएगा तो वहाँ पे स्नेल होगा स्नेल इनके एग को इंजस्ट कर लेगा अब स्नेल के अंदर जो है ये स्पोरोसाइट्स बनाएगा और स्पोरोसाइट्स के बाद ये रेडिया में डिवेल्प होगा और रेडिया जो है इसको करकेरिया में डिवेल्प करेगी जब ये कर्केरिया डिवेल्प होगा तो करकेरिया स्टेज में ये फ्री लिविंग होता है ये स्नेल को छोड़ देता है और उसके बाद ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर देता है इट इज अ फिश फिश में जाके ये जो करकेरिया है ये मेटा करकेरिया में चेंज होता है और मेटा करकेरिया स्टेज हो है ये फिश के अंदर ही रहती है अब ह्यूमंस जो हैं वो अगर अनकुक्ड फिश खाएंगे या फिर हा मतलब अनकुक्ड होगी या फिर उसको अच्छे तरीके से हमने कुक नहीं किया तो हो सकता है ये करकेरिया स्टेज इसी करकेरिया ख़त्म ना हो इसके अंदर ही रहे तो वो अगेन ह्यूमंस के पास चले जाएंगे फिर अगेन ये तमाम जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है तो इस तरीके से जो फ्लूक्स हैं वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर रही होती हैं जो लास्ट इसकी क्लास है इस इट इज़ केस्टोडा और इसको कॉमनली हम कहते हैं कि इसमें टेप व आते हैं ठीक है और जो हाईली स्पेशलाइज्ड क्लास है इसकी और ये सबसे बड़ी आ, बड़ी तो नहीं बड़ी तो पीछे वाली जो हमने क्लास वो डिस्कस की थी इसमें थर्टी फाइव हंड्रेड इसकी स्पीशीज होती हैं ये तमाम जो है वो एंडोपैरासाइट होती हैं ठीक है और इनका जो साइज़ है वो वन से ट्वेंटी थ्री मीटर लेंथ होता है माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एबसेंट होता है इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है वो ये है कि इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या माउथ प्रेजेंट नहीं होता ठीक है जो अडल्ट एपॉर्म है उसके पास प्रोग्लूटेड होते हैं और प्रोग्लूटेड है क्या ये एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है ठीक है अब देखो ये है इसका माउथ और माउथ के ऊपर ये जो इसका पार्ट है उसको हम कहेंगे ये स्कॉलेक्स है और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो सेकंड पार्ट है इट इज अ नेक और ये है इम्बीच्योर प्रोग्लूटेड अब ये जो प्रोग्लूटेड है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे ये बनते जाएंगे और पीछे वाली साइड से जो है ना वो इम जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ये वेस्टेड है यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे एग्स होते हैं और एग जो हैं वो बाद में यहाँ से रिलीज आउट होते जाते हैं और यहाँ से प्रोग्लोटेड एड होते जाते हैं और यहाँ से ये रिलीज होते जाते हैं तो ये अभी इमिच्योर है जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे मिच्योर होते हैं और यहाँ पे वो होते हैं जिसने रिलीज हो जाना होता है तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है ये तमाम एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होते हैं यानी कि ये होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते और ये हमेशा ऑर्गेनिज्म की इंटस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं अब अगर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करें एंड इट इज बीफ टेप वाम और बीफ टेप वाम जो है इसमें होता क्या है कि ये मेडिकली इंपॉर्टेंट टेप वाम है ह्यूमन का अडल्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और इसका साइज जो है वो 25 मीटर तक होता है ठीक है इसके दो होस्ट हैं एक मैन है और दूसरा है कैटल ये अस्सी एग एक प्रोग्लोटेड में एट्टी एग को प्रोड्यूस करता है यानी कि अगर हम ये देखें ये है हमारे पास टेप वम और ये जो टेप वर्म है ये अपने एक प्रोग्लोटेड के अंदर एटी थाउजेंड एग को प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है अब जो एग है वो डेवलप होंगे और एक लार्वा बनाएंगे और उस लार्वा को हम कहेंगे ओनको सीरस लार्वा या ओनको स्पियर लार्वा अब ये जो लार्वा है ये बॉडी से बाहर आएगा और ग्रास के ऊपर पड़ा है वहां पे जो कैटल है वो उसके ऊपर ग्रेजिंग करेगी कैटल के अंदर चला जाएगा और वहां पे जाके कैटल के मसल्स में जाके ये इम्बेड हो जाएगा वहां पे ये सिस्ट बनाता है और जो करके ऑनकोसपेयर लार्वा है ये सिस्टी सीरस लारवा में डिवेल्प हो जाएगा ह्यूमंस जो है वो अनकुकड मील जो मीट है वो उसको खाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा और अगेन इसका जो प्रोसेस है वो भी रिपीट होता जाता है यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो ये है स्ट्रक्चर uh, uh, इसके अंदर जाएगा मतलब ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से रिपीट होता जाता है अब यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर है ह्यूमन के फिकल मटेरियल के जरिए बाहर जाएगा फिर इसको कौ जो है वो खाएगी कौ के बाद जो है वो अनकुक मील जो है वो ह्यूमंस के पास जाएगा और अगेन ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाता है इसके बाद जो अगला है इट इज अ पोक वार्म पोक uh, टेपम जो है इसको टीनिया सोलेनम भी आप इसको कह सकते हो और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है इट इज अ पिग ठीक है जैसे वहां पे हमने काओ इंटरमीडिएट होस्ट डिस्कस किया था यहाँ पे पिग है और इसमें स्ट्रॉबे जो है वो टेन मीटर लॉन्ग होते हैं पैथोलॉजी बहुत ज्यादा सीरियस होती है ह्यूमंस में देन इन पिग ठीक है चाहे पहले ये पिग को अफेक्ट करता है लेकिन पैथोलॉजी बहुत ज्यादा स्वियर होगी अगर ये ह्यूम के अंदर भी चला जाएगा तो ग्रेविट प्रो प्रोग जो है वो उनको स्पेयर को रिलीज करते हैं उसके बाद जो लार्वा है वो हैच होता है इंटेस्टाइन वॉल से ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वहां पे ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ह्यूमन में जाके ये सिस्टी लार्वा में डिवेल्प हो जाता है सबसे पहले ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे यहाँ से उसके फिकल मटेरियल के जरिए या ह्यूमंस हैं ह्यूमंस की बॉडी में रहेगा तो ह्यूमन के फिकल मटेरियल के जरिए एग ने रिलीज किया एग जो है वो ग्रास के ऊपर होंगे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पिक जो है वो फीट कर है पिक के अंदर चले जाएंगे पिक के मसल्स में जाके इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनको स्पेयर जो है वो सिस्टे सीरस में चेंज हो जाएगा और ह्यूमन जो है वो पिक का मीट वो ह्यूम जो पिक का मीट खाते हैं उनमें ये ज्यादा सरसेप्टेबिलिटी होगी कि उनको ये टेपवर्म उनकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा और एक वक्त में एक ही टेप फॉर्म जो है वो ह्यूमन के इंडस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से जो डिफरेंट टेप फॉर्म्स हैं और आ, हमने फ्लोक्स डिस्कस किए वो पैरासिटिक हैं ह्यूम्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें से स्टे कनेक्टेड टेक केयर अल्लाह हाफिज